हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। तो आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ आपके रूबरू हैं। और मौसम का है, मौसम तो आज ही बारिश बंद हुई है। पिछले 4 दिन से कंटिन्यू बारिश, मतलब बीच बीच में बारिश हो रही थी। बाहर जाने का भी कोई प्लान नहीं बन सकता था क्योंकि पता नहीं कब बारिश होने लग जाए। और अभी भी बादल छटे नहीं हैं। तो एक बार ये देखिए, अभी भी बादल हैं और पूरा बारिश का माहौल बना हुआ है। मतलब कभी भी बारिश हो सकती है। और आंगन अभी तक गीला पड़ा हुआ है, ये देखिए हुई है। तो बारिश हुई है तो बारिश के मौसम में कुछ तली हुई चीज़ें खाने का मन तो करता ही है। तो हमारा भी आज मन कर गया। अब पहले तो 4 दिन तक बारिश थी तो बनाया नहीं, बिकॉज लकड़ियाँ वगैरह गीली हो गई और प्रॉब्लम हो रही थी। तो सोचा अब बारिश आज नहीं आई, आज थोड़ी थोड़ी धूप भी वैसे निकली थी वही बीच में, और वैसे तो बादल हैं ही। तो हमने कुछ ऑयली बनाने का सोचा है आज। तो मम्मी जो है हमारी काम पे लग चुकी हैं, तो चलिए देखते हैं हम क्या बना रहे हैं आज। तो ये तेल हमने गरम करने के लिए रख दिया है और ये हमारा डोज तैयार है। क्या बन रहा है मम्मी? पकौड़े बन रहे हैं। पकौड़े बनाने के लिए राशन तैयार कर लिया है हमने। तेल डाल लिया है और उधर बेसन और उसमें जो भी सामान डलता है, डो पूरा तैयार हो चुका है। तो अब तेल गरम होने का इंतज़ार किया जा रहा है। आगे भैया कख पै गया, कख। हमारे आज सात्यू है, हमारे जो पड़ोस में भूमिया जी का मंदिर है वहाँ भजन चल रहे हैं। सात्यू है आज, मतलब सातवीं अमावस्या के बाद। तो मैं आपको मंदिर पे भजन चल रहे हैं। आज के दिन सात्यू का दिन है इस वजह से। तो ये है भूमिया जी का मंदिर, जिसका जो मुंह है वो उस दूसरी तरफ है। और यहाँ हर सातवीं को भजन चलते हैं, टाइम से ही चला देते हैं। वैसे तो डेली चलाते हैं, बट सातवीं के दिन टाइम से चला देते हैं। और ये लकड़ियों का भंडार हमारे पड़ोसियों का। बजावे बेरू डमरू बजावे रे, रे डमरू बजावे और अब हमारा पकोड़े तलने का प्रोग्राम शुरू हो चुका है। सारा ही खलारा ही पाता। तो हमारे हलवाई साहब ने खलारा पा दिता है वेच कढ़ाई दे। ले ये लो जी, तेल थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया ना, तेल थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया इसलिए जल्दी पक गए। बट अभी पूरे नहीं पके, अब आराम से पक जाएंगे। धीमी आंच पे पकाना चाहिए पकौड़ों को, क्योंकि ज़्यादा आंच पे बाहर से तो पक जाते हैं बट अंदर से कच्चे रह जाते हैं। खेत में देखिए बगुले उड़ रहे हैं, बगुले। पानी पहले से ही बारिश से लगा हुआ है और अब और भी लग रहा है। तो बगुले जो हैं, ये देखिए कितने सारे बगुले लग रहे हैं। इधर भी आए हुए हैं क्योंकि इधर भी पानी है ना। लकड़ियाँ अभी भी थोड़ी गीली हैं जिस वजह से सही से जल रही है।
तो ये पहली पारी हो चुकी है पूरी, पकौड़े तैयार हो चुके हैं। तो इनको अच्छे से तेल ऑयल निकाल के और इधर डाल लिया है, और अब खाने का प्रोग्राम शुरू किया जाएगा जल्दी ही। ओ डिग्या, ओहो उछल उछल के पड़ रहे हैं। रुक जाओ पेट में भी डाल लेंगे, इतने जल्दबाजी कर रहे हो, इतनी जल्दबाजी तो हम भी नहीं कर रहे खाने के लिए। ये एक बेचारा अकेला ही रह गया, बिछड़न 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 बिछाड़ दिया इसको बेचारे को। बिछड़न बिछड़न करती है, बिछड़े तो जी ना पाएंगे। सही बात है, बिछड़े तो नहीं जी पाएगा बेचारा, अंदर ही जल जाता। तो इतने पकौड़े तैयार हो चुके हैं अभी, और अब बाकी के बचे हैं। बाकियों से हमें क्या लेना, हमें तो खाने से मतलब है, और हमारे लिए बन चुके हैं। नहीं, मैं मेरी बात की जा रही है कि मुझे खाने से मतलब है, मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है। तो मैं ये दो बाटियां ले आई हूँ अपने लिए और पापा के लिए, और अब हम इसमें रखेंगे पकौड़े। एक बार इतने ही देते हैं पापा को, क्योंकि वो पता नहीं कितना खाएंगे या नहीं, तो पापा को देख आते हैं। नहीं, घरे बनाए गए। तेरी मम्मी ने? खा के दस किए लगे। करा रहे इनके? ना, पकौड़े तो करा रही होंगे न। के बने? बढ़िया, चलो ठीक है, फिर आप भी खाइए। गाइस, पापा को तो पकौड़े पसंद आ गए हैं, अब मैं भी खा के देखती हूँ मुझे कैसे लगते हैं मम्मी के हाथ के बनाए हुए पकौड़े। मैं भी खा के देखती हूँ कि पकौड़े कैसे लग रहे हैं। एक ही लिया है मैंने एक बार। मस्त बने हैं, एकदम गर्मा गर्म, और बारिश का मौसम है, माहौल है, तो एकदम मज़ा आ जाएगा। अगर आप लोगों को भी पकोड़े खाने हैं ना, तो हो जाओ तैयार पकोड़े खाने के लिए, पहले उससे बनाने के लिए तैयार हो जाओ। पकोड़े घर पे बनाओ आराम से बारिश के मौसम में, और आराम से बैठ के खाओ गर्मा गर्म पकोड़े, वाह मज़ा आ जाएगा मज़ा। चलो ठीक है फिर गाइज, मेरे पकोड़ों को आप लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ कि आपको कैसे लगे, देख के ही बता दो यार, टेस्ट तो कर नहीं सकते इतनी दूर से अब, ठीक है। और शेयर कर देना वीडियो को, और चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो के साथ, कोई नया खाना पीना या कुछ काम के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, और कोविड 13 कहाँ नाम आ रहा है, 3rd लेयर जो है वो आ गई है, तो अपना अपना ध्यान रखिए प्लीज़, अपने अपने घरों में रहिए, बिना ज़रूरत के घर से बाहर मत निकलिए। बस इतना ज्ञान बहुत हुआ, अब मैं चलती हूँ, बाय बाय।